नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर के सराफा थाना क्षेत्र की एक दुकान में पिछले दिनों चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में फरियादी मोहनलाल सोनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो महिला आरोपियों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया है। डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीणा ने बताया कि दो शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो सागर जिले के पास टीकमगढ़ की रहने वाली है। पिछले महीने दोनों ही महिलाएं छोटा सराफा में फरियादी की दुकान पर खरीदारी करने के बहाने से चोरी करने की नियत से आई थी। इस दौरान दोनों महिलाएं दुकान से 9 जोड़ी टॉप्स चोरी कर ले गई थी। डीपी के अनुसार उनकी पुलिस टीम ने इंदौर से लेकर उज्जैन तक 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर महिला आरोपियों की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त साइबर तकनीक और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने विमलापति विक्रम यादव, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम तिलावरण पहाड़ी टीकमगढ़, और रूबीपति विजय यादव, उम्र 30 साल, ग्राम तिलावरण पहाड़ी टीकमगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों से चोरी किए गए टॉप सहित 3 सोने के हार, 1 चांदी की कंदोड़ी, चांदी की बिछिया 10 जोड़ और पायल 8 जोड़ एवं 8,90,000 नकदी सहित कुल 10,39,000 का माल बरामद किया है। ये 24 तारीख की घटना है। दो महिलाएं दो छोटे छोटे बच्चों के साथ सराफे में कोई ज्वेलरी खरीदने आई थी, और ज्वेलरी दिखाने के नाम पे उन्होंने जो ज्वेलर है उसे कई सारी चीज़ें दिखाने के लिए बोला। उसी बीच लगभग 6-9 जोड़ी टॉप्स, जो कानों में पहनने की ज्वेलरी होती है, उसको चुरा के और बिना वहाँ से कोई ज्वेलरी खरीदे चली गई थी। इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हैं। पहले भी हमने सराफा व्यवसायियों को सचेत किया था कि आप अपने जो दुकान है या जो शोरूम है उस पर सीसीटीवी लगाएं, लेकिन यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। लेकिन अगेन इंदौर पुलिस ने, जैसा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर के खिलाफ काम कर रही है, बहुत अच्छी एक प्रोफेशनल पुलिसिंग दिखाई, और हमारे एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब और टीआई, इनके नेतृत्व में टीम गठित की, और लगभग 600-700 कैमरे के देखने के बाद हमें पहला क्लू मिला उज्जैन में जाके। उज्जैन बस स्टैंड तक हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उन महिलाओं को ट्रेस किया, वहाँ से जिस बस में बैठी उसको ट्रेस किया, और उसके बाद टीकमगढ़ से हमने दो महिलाओं को लगभग 10.5 लाख के मसरूके के साथ में गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने, जो हमारा मसरूका सराफे में गया था वो कम था, लेकिन महिलाओं ने जो हमारी अभी प्रारंभिक पूछताछ है उसमें कबूल किया है कि बाकी का भी जो मसरूका है उन्होंने यहाँ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराया है। दोनों का पीआर ले रहे हैं और बाकी की घटनाओं का इसमें पूछताछ हेतु उनका पीआर लेंगे, और आगे उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो महिलाओं का किस तरह का प्रोफाइल है और क्या? ये जिस गांव से हमने इनको पकड़ा है, जिस क्लस्टर जो लोकेलिटी से पकड़ा है, वहाँ पर शोहरत ऐसी है कि ज़्यादातर महिलाएं इसी तरीके से चोरी करती हैं, इसी तरीके से ज्वेलरी शॉप पे जाके सामान उड़ाती हैं। तो वहाँ टीकमगढ़ से हम इनको गिरफ्तार करके लाए हैं। वहाँ टीकमगढ़ पुलिस का भी इसमें अच्छा रहा और इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। लेकिन अगेन मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा पूरे व्यवसाय वर्ग से कि कम से कम ज्वेलरी और ऐसे जो महंगे सामान है, उस वक्त जब आप डील कर रहे हो तो बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सीसीटीवी लगवाएं और कम से कम दुकान पर थोड़े सतर्क रहें। ये अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसीलिए हम उनका पीआर ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मसरूका गया है वो कम है, 9 जोड़ी टॉप्स थे, लेकिन उनके पास से लगभग 6 जोड़ी टॉप्स, 3 सोने के हार, चांदी के कड़े और चांदी की बिछिया और पायल, मतलब काफ़ी सारा माल उनके पास से मिला है। और जो उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्र से 2-3 दिन का जो उनका स्टे था उसी वक्त इन्होंने साफ किया है। ये पूछताछ का विषय है, क्योंकि जब घटना स्थल से, ज्वेलरी की दुकान से जब हमने सीसीटीवी देखना शुरू किया, तो उज्जैन तक इनके साथ में और हमें अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर उनके साथ में कोई और इस गिरोह में सदस्य है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि टीम लगातार लगी रही और उज्जैन बस स्टैंड पर जाके हमको एक अच्छी सफलता मिली, और उसको ट्रैक करते हुए हमने टीकमगढ़ से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अगर इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो जो हमारा BNS का जो नए प्रावधान है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं के अंतर्गत इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चे लेके जाते थे दूसरी जगह,
बच्चे लेके इसलिए जाते थे ताकि कोई इन पर बहुत ज़्यादा शक ना करे, बच्चे अगर पकड़े गए तो इनके साथ कोई मारपीट ना करे, किसी मतलब एक ढाल की तरह, एक सेफ्टी ढाल कवर की तरह बच्चों को ये लोग यूज लेते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।